जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद 35 दिन बीत चुके हैं, फिर भी घाटी में कर्फ्यू जैसा हालात दिखाई दे रहा है। घाटी में दोबारा कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। खबरों के मुताबिक मुहर्रम का जुलूस निकालने से रोकने के लिए श्रीनगर समेत प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में रविवार से कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक श्रीनगर के लाल चौक के वाणिज्य केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों के सभी प्रवेश स्थलों पर तारबंदी की गई है। इसके अलावा इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मंगलवार को मुहर्रम है, मुहर्रम से ठीक दो दिन पहले इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। हालांकि अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर अचानक से घाटी में इतनी पाबंदियाँ क्यों लगा दी गई है। अधिकारियों का सिर्फ इतना कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला जाता है, इस मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अधिकारियों को आशंका है कि बड़े धार्मिक समागमों से हिंसा भड़क सकती है। ऐसे में मंगलवार को घाटी में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाले जाने से पहले ही इस तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार पाबंदी के बीच सिर्फ आपात चिकित्सा की स्थिति में लोगों को बैरिकेड पार करने की इजाज़त दी जा रही है। सुरक्षा बलों से संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी की गई कर्फ्यू पासों पर भी लोगों को जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। इससे पहले धारा 370 के ज़्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने केंद्र सरकार की घोषणा के बाद घाटी में पहली बार 5 अगस्त को पाबंदियां लगाई गई थी। हालांकि धीरे धीरे स्थिति में सुधार को देखते हुए घाटी के कई हिस्सों से पाबंदियां हटा दी गई थी, लेकिन इसी बीच पिछले करीब 35 दिनों से घाटी में चल रहे बंद की वजह से लगातार जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।